हमारे गुरु जी एक दोहा है स्वर है ईश्वर लय है ज्ञान तन ही पथ है रूप है ध्यान ईश्वर प्राप्ति करना हो स्वर के साधना करो और सच्चा स्वर भगवान होता है आप कहीं पे देखेंगे सच्चा स्वर कहीं लगेगा आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मैं हमेशा कहता हूँ अभी भी कह रहा हूँ जो हमारा बजाते हुए करीब सत्तर साल तो हो ही गया मगर मैं अभी लगता है मुझे अभी तक मुझे सीखना है काश मेरे गुरु जिंदा होते मैं और सीख पाता क्योंकि मैं कहता हूँ ये जो समुद्र है जब तक आप समुंदर के किनारे में होते हैं तब बहुत उछल कूद होता है पानी का होता है ना लहरें होते हैं अब जितने गहरे में जाएंगे शांत तो संगीत में जब तक आप किनारे किनारे में रहेंगे तो आप उछल कूद करेंगे जब आपको गहराई में चले जाएं गहराई में शांत हाँ। तो आने दी तो ये एक उपलब्धि है, है हमारी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ मैं जब सीता लेके बैठता हूँ हम कहते ईश्वर मुझे वो शक्ति दो ताकि हम कहीं फिसल ना जाए अभी भी हम सोचते हैं और ये बात इतनी सच्ची है कोई बिना नहीं है दिखा नहीं हमने सात किताबें लिखी हैं क्या क्या बताया अपने बारे में हमारे दो तीन जो स्टूडियो है रेडियो के तो टॉप क्लास के हैं टॉप क्लास से बहुत बड़ा माना जाता था हमें अब रेडियो में एक चिट्ठी नहीं आए एक इससे भी ऊपर एक क्लास बना नेशनल आर्टिस्ट करके वो ग्रेड हमें दिया है अब कब तक हम जिएंगे इसको अब आ, आ, कब तक होगा आई डोंट नो मगर यह है कि हमें इतना खुशी है कि हमें मान्यता मिली है पद्म भूषण मिला ये वो जो अकेडमी अवार्ड दिल्ली अवार्ड जितने अवार्ड अमेरिका में अवार्ड मिला